अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई सेकेंड व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था कि आप फिनिश यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट करनी है। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एडमिशन के बाद आपको फिनलैंड एम्बेसी में कैसे अप्लाई करना है, सो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अप्रैल में जब आपका एडमिशन लेटर आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आपने अपनी फ़ीस पे करनी है, अगर आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत है, नहीं तो अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो वेल एंड गुड। सबसे पहले आपने फिनलैंड एम्बेसी अबू धाबी में अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ईमेल एड्रेस मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, फॉलो कर सकते हैं। आपने वहाँ पर ईमेल करनी है और उनको बोलना है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सो जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए तो उसके दौरान आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। जो अपॉइंटमेंट का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने लग सकते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में आपको, तो इस दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि फिनलैंड एम्बेसी पाकिस्तान में खुल गई है। हाँ जी, बिल्कुल खुल गई है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। वो ऑपरेशनल होगी अगले साल के एंड से, मतलब 2023 के एंड से। सो जो 2023 में अप्लाई कर रहे हैं उनको अबू धाबी जाना पड़ेगा फॉर फिनलैंड एम्बेसी। सो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपने अपने अकाउंट में 6,720 यूरोस दिखाने। सो आप किसी स्पॉन्सर से ले सकते हैं। स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या कोई अननोन पर्सन हो सकता है। तो आपने उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में 6,720 यूरो ट्रांसफ़र करने हैं यूजिंग चेक। प्लीज़ मेक श्योर आप कैश ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मसला हो सकता है। तो मेक श्योर आप चेक से ट्रांसफ़र कीजिए। तो 6,720 ट्रांसफ़र करने के बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, जो कि फ्रेश भी हो सकती है, 2 हफ्ते की भी हो सकती है और 6 महीने की भी हो सकती है। तो जो सी फिजिबल है आप वो दिखा सकते हैं, लेकिन आपका आपकी जो स्पॉन्सर है उसकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की ही चलेगी। और आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है अपने स्पॉन्सर की और अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। अब यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है वो सैलरीड पर्सन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, और हो सकता है उसमें कोई चीज़ बेची हो, कोई सेल डेट वगैरह भी दिखा सकते हैं आप। सो ये 3 सिनेरियोज़ होते हैं, मोस्टली सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन, और अगर आपने कोई चीज़ की गाड़ी या कोई प्लॉट वगैरह सेल किया तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो इन तीनों केसेस के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं इसमें बता नहीं रहा आपको क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इन केसेस के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स अटैच करूंगा हर केस के लिए अलग अलग। तो आप वहां पे जाके अपना रेलिवेंट केस देख सकते हैं और वहां से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा रेशियो 100% हो तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो आपका स्पॉन्सर है उनके अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट ना ट्रांसफ़र की गई हो, जैसे 4 लाख 5 लाख या 2 लाख, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो, आया कि आपने कोई प्लॉट बेचा, कोई ज़मीन बेची है या कोई गाड़ी बेची है, उसकी सेल डेट वगैरह होनी चाहिए। आपको सबसे पहले enterfinland.fi पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और वहाँ पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ेंगी अपनी, और वहाँ पर अपना अकाउंट बना के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर आप अबू धाबी जाने से पहले ये सारे काम कर लीजिएगा, और ताकि कोई मसला ना हो आपको। सो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, आपने उसके बाद अबू धाबी जाना होगा फॉर फिनलैंड एम्बेसी, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वहाँ पे, ओरिजिनल आपकी जो मैट्रिक FSC की डिग्रीज हैं और बैचलर्स की डिग्री है आपको वहाँ पे लेके जाना है, और वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और पिक्चर्स दी जाएंगी और एक शॉर्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। तो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में यही है कि आप फिनलैंड क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपने ये डिग्री क्यों पढ़नी है, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हो सकता है। सो इसके लिए भी तैयारी कीजिएगा। सो जब आपका इंटरव्यू हो जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएँ और आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएँ, तो आपको उसके बाद सिर्फ वेट करना पड़ेगा अपने रेजिडेंस परमिट का, और आपको ईमेल आएगी और मैसेज आएगा कि आपका डिसीजन आ गया है। तो आप enterfinland.fi पे जाके अपना डिसीजन चेक कर सकते हैं, और हो भी सकता है कि वो आपसे सप्लीमेंट मांगे। तो अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ आप लगाना भूल गए हैं तो वो आपसे सप्लीमेंट में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे स्टेप्स मैंशन भी कर दूँगा, अगर मैं कोई स्टेप वीडियो में भूल गया हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो पूरे हो रहे हों, और आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ लिंक्स अटैच करूंगा, वहां पे जाके विजिट करें उनको, और वहां पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेजिडेंस परमिट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है आपने। सो इन केस मैं अगर वीडियो में कुछ बोल रहा हूं तो आप अपना होमवर्क पूरा रखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ लाजमी अटैच कर लीजिएगा ताकि आपको रेजिडेंस परमिट का जो प्रोसेस है वो स्मूथली फॉलो हो जाए। सो इसके साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।